कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SRK स्टडी कॉर्नर। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। हमारा जो स्टमक होता है उसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उसमें 3 सिक्रीशन होते हैं, HCL, म्यूकस एंड पेप्सिन। इन तीनों सिक्रेशन का क्या क्या रोल होता है और ये कैसे एक दूसरे से इंटरकोरिलेटेड होते हैं वो आपको आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो बेटा बेसिकली होता क्या है, जब हमारा फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है स्टमक में फूड का डाइजेशन होता है, आप सबको पता है ये बात। तो जब हमारा फूड स्टमक में जाता है तो वहाँ पर स्टमक की जो वॉल होती है वहाँ से HCL सिक्रीट होता है, HCL हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप सोचोगे एसिड का खाने के डाइजेशन में क्या काम है, तो HCL का मेन मोटिव जो है सिक्रीट होने का वो ये है कि स्टमक में ही गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक पेप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स का डाइजेशन कराना। जितना भी आप प्रोटीन खाते हो उस सबका डाइजेशन जो है हमारा पेप्सिन एंजाइम कराता है। तो बेटा जो पेप्सिन है वो वर्क करता है सिर्फ एसिडिक मीडियम में। पेप्सिन का जो वर्क होता है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में होता है, क्योंकि अगर फूड एसिडिक मीडियम में नहीं होगा तो पेप्सिन उस पर एक्ट नहीं करेगा। तो HCL का काम हो गया टू प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम टू द फूड। और सेकंड वर्क जो होता है हमारे HCL का वो ये होता है कि जो भी आप खाना खाते हो उसके साथ अगर आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज़ चली गई है जो आपकी बॉडी को नुकसान देगी तो वो HCL उसको किल कर देता है, उसको मार देता है। सेकंड आता है हमारा पेप्सिन। तो जो पेप्सिन है अभी मैंने आपको बताया कि वो प्रोटीन का डाइजेशन कराता है और एसिडिक मीडियम में ही प्रोटीन का डाइजेशन होता है। थर्ड वन इज द म्यूकस। म्यूकस का वर्क क्या है, म्यूकस जब HCL अपना वर्क कर देता है तो म्यूकस क्या करता है, अब बॉडी के स्टमक के अंदर तो HCL रह गया और HCL एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो हमारी स्टमक को ख़राब कर सकता है, हमारे स्टमक को इरोड कर सकता है। तो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्शन देने के लिए म्यूकस सिक्रीट होता है। म्यूकस जो है न्यूट्रलाइज कर देता है HCL। तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक की लाइनिंग को। अगर म्यूकस सिक्रीट नहीं होगा तो क्या होगा, तो HCL जो है वो स्टमक की लाइनिंग को ख़राब करेगा और यहाँ तक कि इतना ज़्यादा कि स्टमक के अंदर जख्म हो जाते हैं, अल्सर तक हो जाते हैं। तो इसलिए म्यूकस का सिक्रीट होना बहुत ज़रूरी है। सिमिलर वे में तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेप्सिन, HCL और म्यूकस किस तरीके से इंटरकोरिलेटेड है, इनके क्या क्या रोल हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ म्यूकस, HCL एंड पेप्सिन, और अगर म्यूकस नहीं होगा तो क्या होगा, HCL नहीं होगा तो क्या होगा, HCL नहीं होगा तो पेप्सिन रिएक्ट नहीं करेगा, और अगर म्यूकस नहीं होगा तो HCL की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी और हमारे स्टमक को वो ख़राब कर देगा। थैंक यू, आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या इसके फंक्शन है और क्या किस तरीके से ये आपस में इंटरकोरिलेटेड है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।